यूएसए वर्सेस साउथ अफ्रीका T20 वर्ल्ड कप का मैच नंबर 41 सुपर 8 में खेले जाने वाला पहला मैच सीधा आ रहा है एंटीगुआ से। हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू परफेक्ट लाइनअप यूट्यूब चैनल। यहां पर हम आपको बताते हैं हर मैच का डिटेल डेटा और एनालिसिस। तो चलिए जानते हैं क्या कहती है वेन्यू एंड पिच रिपोर्ट, कौन है टॉप प्लेयर्स, क्या है कैप्टन एंड वाइस कैप्टन के सजेशंस, किस टीम के ज्यादा चांसेस हैं इस मैच को जीतने के, क्या रहेगा प्रेडिक्टेड स्कोर, ये सारा डेटा हम जानेंगे आज के इस वीडियो में। तो वीडियो के आखिर तक जरूर बने रहिएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक जरूर कर दीजिएगा। शुरू करते हैं हमारी आज की वीडियो। यूनाइटेड स्टेट्स वर्सेस साउथ अफ्रीका, काफ़ी इंटरेस्टिंग ये मैच होने वाला है। सुपर 8 का पहला मैच है ये। अब सुपर 8 की ये खासियत है कि सुपर 8 में दो ग्रुप डिवाइडेड हैं इस बार। अब ये 8 टीमें अभी तक जो परफॉर्मेंस करती आ रही हैं वो जीरो हो गई है, नेट रन रेट जीरो हो गया है, टोटल मैचेस विन एंड लूज जीरो हो गए हैं। अब यहाँ से एक नई कहानी शुरू होती है, ये 8 टीमें आपस में भिड़ेंगी, तीन तीन मैचेस खेलेंगी अब इस T20 वर्ल्ड कप में, और उसके बाद हर एक ग्रुप से दो दो टीमें सेमीफाइनल्स में जाएंगी। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग ये मैच होने वाला है। अब यहाँ से हर एक मैच काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है। तो अभी तक यूएसए भी काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस करती आ रही है, 4 मैचेस खेलने थे इस T20 वर्ल्ड कप में लेकिन सिर्फ 3 मैचेस खेले क्योंकि चौथा मैच रेन डिले हो गया था। 3 मैचेस में से 2 मैचेस जीते, चौथे मैच में 1 पॉइंट फ्री फोकट का मिल गया एंड पाकिस्तान हो गई इस T20 वर्ल्ड कप की रेस से बाहर। हालांकि पाकिस्तान का नेट रन रेट ज़्यादा था यूएसए से लेकिन वो एक मैच रेन डिले की वजह से टाई हो गया और उसका 1 पॉइंट यूएसए को मिल गया और यूएसए क्वालिफाई कर गई T20 वर्ल्ड कप के सुपर 8 में। और दूसरी तरफ साउथ अफ्रीका 4 मैचेस इस T20 वर्ल्ड कप में खेले, चारों के 4 मैचेस जीत के आ रही है काफ़ी अच्छे नेट रन रेट के साथ। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग ये मैच होने वाला है। चलिए जानते हैं क्या रहेगा प्रेडिक्टेड स्कोर इस मैच को लेकर। तो अगर यूएसए पहले बैटिंग फर्स्ट करती है तो 152 रन्स तक का टारगेट दे सकती है 7 विकेट के नुकसान पर। वहीं अगर साउथ अफ्रीका पहले बैटिंग फर्स्ट करती है तो 172 रन्स तक का टारगेट दे सकती है 7 विकेट्स के नुकसान पर। अब अगर हम विनिंग चांसेस की बात करें तो साउथ अफ्रीका के ज़्यादा चांसेस हैं इस मैच को जीतने के। यूएसए अगर पहले बैटिंग फर्स्ट करती है तो साउथ अफ्रीका इस मैच को जीत सकती है 5 विकेट के मार्जिन के साथ। वहीं अगर साउथ अफ्रीका पहले बैटिंग फर्स्ट करती है तो इस मैच को जीत सकती है 65 रन्स के मार्जिन के साथ। तो अब हम आगे बढ़ते हैं और जानते हैं क्या कहते हैं वेन्यू एंड पिच के स्टैट्स। सर विवियन रिचर्ड स्टेडियम एंटीगुआ में मैच खेले जाने वाला है। अगर पिच की बात करें तो पिच इक्वली फेवर करती है बैट्समैन एंड बॉलर्स को लेकिन ये लो स्कोरिंग ग्राउंड है। पिछले कुछ मैचेस में बॉलर्स ज़्यादा हावी पड़े हैं इस पिच पर, तो बॉलर्स और बॉलिंग ऑलराउंडर्स को ज़्यादा प्रेफरेंस दीजिए अपने लाइनअप में। एवरेज फर्स्ट इनिंग स्कोर 113 रन का है, एवरेज विकेट लॉस पर इनिंग 6 विकेट्स हैं। टॉस ट्रेंड्स की अगर बात करें तो इस पिच पर टॉस जीतने वाली टीम ज़्यादातर चेजिंग प्रेफर करती हैं और अगर विनिंग चांसेस की बात करें तो वो भी चेजिंग के फेवर में ही जाते हैं, चेज करने वाली टीमों ने ज़्यादा मैचेस जीते हैं इस पिच पर। बॉलर्स की अगर बात करें तो पिच इक्वली सपोर्ट करती है पेसर्स एंड स्पिनर्स को, तो इवन सिलेक्शन रखिए अपने लाइनअप में पेसर्स एंड स्पिनर्स को लेकर के। इसके साथ साथ मैं आपको बताना चाहूंगा कि इस T20 वर्ल्ड कप स्पिन मैच आपके लिए लाया है एक धमाकेदार ऑफर। डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पर अभी क्लिक करिए, ज्वाइन करिए स्पिन मैच को और पाइए 100% वेलकम बोनस अप टू ₹50,000। तो इस ऑफर को बिल्कुल जाने मत दीजिए, बिल्कुल भी देर मत कीजिए। डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पर अभी क्लिक करिए, ज्वाइन करिए स्पिन मैच, बेट बिग एंड विन बिगर ओनली विद स्पिन मैच। अब हम आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कौन है टॉप प्लेयर्स ऑन द बेसिस ऑफ फैंटेसी पॉइंट्स। तो उसके लिए हम चलते हैं स्टैट्स प्लेग्राउंड पर। स्टैट्स प्लेग्राउंड पर हमें कस्टमाइज डेटा मिल जाता है अपने प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग।
तो यहाँ मैं ऑलरेडी अपनी प्रेफरेंस एंटर करा चुका हूँ। जैसे मैं सबमिट पे क्लिक करता हूँ, यहाँ हमें टॉप प्लेयर्स की लिस्ट दिख जाती है। अब अगर हम पर्टिकुलर पोजीशन वाइज बात करें तो विकेट कीपिंग पोजीशन पर लास्ट 5 मैचेस में 204 पॉइंट्स के साथ हैं एंड्रीज गॉस, विकेट कीपिंग बैट्समैन है यूएसए से। लास्ट 5 मैचेस में 150 पॉइंट्स के साथ है क्विंटन डिकॉक, विकेट कीपिंग बैट्समैन है साउथ अफ्रीका से। 141 पॉइंट्स के साथ है हेनरिक क्लासेन, विकेट कीपिंग बैट्समैन है साउथ अफ्रीका से। बैट्समैन की अगर बात करें तो लास्ट 5 मैचेस में 255 पॉइंट्स के साथ हैं एरन जोन्स, बैट्समैन है यूएसए से। 205 पॉइंट्स के साथ हैं डेविड मिलर, बैट्समैन है साउथ अफ्रीका से। ऑलराउंडर्स की अगर बात करें तो 226 पॉइंट्स के साथ हैं स्टीवन टेलर, ऑलराउंडर हैं यूएसए से। 193 पॉइंट्स के साथ हैं एडन मार्करम, ऑलराउंडर हैं साउथ अफ्रीका से। 186 पॉइंट्स के साथ हैं शैंडली वैन, ऑलराउंडर हैं यूएसए से। बॉलर्स की अगर बात करें तो लास्ट 5 मैचेस में 289 पॉइंट्स के साथ हैं एनरिच नॉवे, बॉलर हैं साउथ अफ्रीका से। लास्ट 5 मैचेस में 280 पॉइंट्स के साथ हैं ओटनील बार्टमैन, बॉलर हैं साउथ अफ्रीका से। 261 पॉइंट्स के साथ हैं तबरेज शमसी, बॉलर हैं साउथ अफ्रीका से। 220 पॉइंट्स के साथ हैं कगिसो रबाडा, बॉलर हैं साउथ अफ्रीका से। 217 पॉइंट्स के साथ हैं अली खान, बॉलर हैं यूएसए से। 212 पॉइंट्स के साथ हैं सौरभ नेत्रवलकर, बॉलर हैं यूएसए से। अब हम आगे बढ़ते हैं और जानते हैं क्या है कैप्टन एंड वाइस कैप्टन के सजेशंस। तो ओटनील बार्टमैन साउथ अफ्रीका से बॉलर हैं, रीजा हेंड्रिक साउथ अफ्रीका से बैट्समैन हैं, एडन मार्करम साउथ अफ्रीका से ऑलराउंडर हैं, एनरिच नॉवे साउथ अफ्रीका से बॉलर हैं, केशव महाराज साउथ अफ्रीका से बॉलर हैं। अब अभी तक हमने जो डेटा एनालाइज किया है उसके बेसिस पर जनरेट करते हैं अपनी टीम। तो जाएंगे कस्टम टीम बिल्डर पर, सबसे पहले सिलेक्ट करेंगे एडवांस सेक्शन, सिलेक्ट करेंगे अपना फेवरेट फैंटेसी प्लेटफॉर्म जिसके लिए हम अपनी टीम जनरेट करना चाहते हैं, सिलेक्ट करेंगे अपने टीम बेसिस, पिक करेंगे अपना फॉर्मेशन। सो एक से दो विकेट कीपिंग बैट्समैन रखना चाहूंगा मैं अपनी टीम में, बैट्समैन मैं दो से तीन रखना चाहूंगा, ऑलराउंडर भी दो से तीन रहेंगे, वहीं बॉलर मैं दो से चार रखना चाहूंगा अपने लाइनअप में। अब टीम सिलेक्शन प्रेफरेंस की बात करें तो साउथ अफ्रीका के ज़्यादा चांसेस हैं इस मैच को जीतने के, तो साउथ अफ्रीका की टीम से मैं 6 से 7 प्लेयर अपने लाइनअप में रख रहा हूँ। टीम वेरिएशन डिफरेंट टीम्स के साथ जा रहा हूँ, कैप्टन वाइस कैप्टन की सेटिंग्स में डिफॉल्ट सेटिंग्स के साथ जा रहा हूँ। नंबर ऑफ टीम्स में 5 जनरेट कर रहा हूँ, आप अप टू 100 टीम्स भी जनरेट कर सकते हैं। जैसे ही मैं नेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ यहाँ हमें प्लेयर्स की लिस्ट दिख जाती है। अब इन प्लेयर्स को हम सिंपली एज अ प्रिफर्ड मार्क कर सकते हैं, लॉक कर सकते हैं और एक्सक्लूड कर सकते हैं अपनी टीम से। तो ओटनील बार्टमैन को अपनी टीम में रखना चाहूँगा, रीजा हेंड्रिक्स रहेंगे, इसके साथ साथ एनरिच नॉवे भी रहेंगे, तबरेज शमसी भी रहेंगे मेरी टीम में, इसके साथ साथ कोरी एंडरसन को भी रखना चाहूँगा, एंड्री गॉस को भी, एरन जोन्स भी रहेंगे मेरी टीम में और सौरभ नेत्रवलकर को भी मैं एज अ प्रिफर्ड प्लेयर मार्क करना चाहूँगा अपनी टीम के लिए। अब जैसे ही मैं जनरेट 5 टीम्स पे क्लिक करता हूँ विद इन अ सेकेंड मेरी टीम्स जनरेट हो जाती हैं, अलग अलग वेरिएशन, अलग अलग फॉर्मेशन एंड अलग अलग कैप्टन एंड वाइस कैप्टन के साथ। अब इन टीमों को हम सिंपली सेलेक्ट ऑल करके एक्सपोर्ट कर सकते हैं अपने फेवरेट फैंटेसी प्लेटफॉर्म पर। तो देखा आपने परफेक्ट लाइनअप के साथ कितना आसान है अपनी परफेक्ट फैंटेसी टीम को जनरेट करना, टीम का एनालिसिस करना, प्लेयर का एनालिसिस करना और टीमों को एक्सपोर्ट करना अपने फेवरेट फैंटेसी प्लेटफॉर्म पर। अगर आप भी अपनी विनिंग फैंटेसी टीम जनरेट करना चाहते हैं तो यूज करिए परफेक्ट लाइनअप, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। इसके साथ साथ मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर आप फैंटेसी में होने वाले लॉस से बचना चाहते हैं तो यूज करिए परफेक्ट लाइनअप का जीएल प्रैक्टिस कॉन्टेस्ट। ये जीएल प्रैक्टिस कॉन्टेस्ट बिल्कुल सिमिलर है अन्य प्लेटफॉर्म पर होने वाले जीएल कॉन्टेस्ट की तरह, बस एक डिफरेंस है कि परफेक्ट लाइनअप का जीएल प्रैक्टिस कॉन्टेस्ट है बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। तो यहाँ आप जितनी चाहें उतनी टीमें लगा सकते हैं और एंड और मैच खत्म होने के बाद आपको एक रिपोर्ट मिल जाती है जिसमें आपको पता चलता है कि आपकी टीमों ने कैसा परफॉर्म किया, कैसे आप अपनी बेहतर टीम बना सकते थे, किन प्लेयर्स को अपनी टीम में रख सकते थे। तो अगर आप फैंटेसी में होने वाले लॉस से बचना चाहते हैं और अपने फैंटेसी गेम को और इम्प्रूव करना चाहते हैं तो यूज़ करिए परफेक्ट लाइनअप का जीएल प्रैक्टिस कॉन्टेस्ट। तो ये था डिटेल एनालिसिस यूएसए वर्सेस साउथ अफ्रीका के बीच में खेले जाने वाले इस T20 वर्ल्ड कप के सुपर 8 के पहले मैच को लेकर। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को जरूर दबा दीजिए।
मैं मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में एक नए मैच एनालिसिस के साथ। तब तक के लिए कीप प्लेइंग फैंटेसी स्पोर्ट्स।